जय हिंद दोस्तों, स्टडी विद गुरुजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज आप लोग इस वीडियो में परसेंटेज के लेसन को स्टडी करेंगे। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग परसेंटेज के लेसन को स्टडी करेंगे। इसके पहले हमारे बहुत से वीडियोज बन चुके हैं, अगर आप लोग उन वीडियोज को नहीं देखे हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। सारे वीडियोज में क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने का मेथड बताया गया है। इस वीडियो में भी हम आप लोगों को परसेंटेज के क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने का तरीका आज बताने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर परसेंटेज को हमको फ्रैक्शन में बदलना होता है, भिन्न में बदलना होता है, तो 100 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे है हमारा 10%, अगर 10% को हमको भिन्न में बदलना है तो हम करते हैं 10/100, 10/100 लिखते हैं। ऐसे अगर हमको 20% को फ्रैक्शन में लिखना है, 20% को भिन्न में लिखना है, तो लिखेंगे 20/100। ऐसे अगर 30% को हमको भिन्न में लिखना है तो लिखेंगे 30/100। तो ये हो गया कुछ जानकारी के लिए। अब देखिए हम लोग अपने क्वेश्चन को इसी आधार पर सॉल्व करेंगे। यह है क्वेश्चन दोस्तों, किसी आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दी जाती है तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि आयत के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए दोस्तों, यह है 20% की कमी, तो 20% कहाँ है? अभी हम आप लोगों को बताएं कि 20% का मतलब होता है 20/100। अगर हम इसको भिन्न में बदलेंगे तो होगा 20/100, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ एक चीज और कहा जा रहा है, कमी। कमी का मतलब हम यहाँ लगा देते हैं माइनस का साइन। क्या लगा देते हैं? माइनस का साइन। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 20 के 20, 20 पंचे 100, कितना आ गया दोस्तों? ये आ गया 1/5। कितना आ गया? 1/5। यहाँ माइनस लगा है, माइनस का मतलब होता है अंतर, अंतर। इसका मतलब होता है अंतर। अब हम अंश को ऐसे ही लिखेंगे, अंश को ऐसे ही लिखेंगे, जैसे अंश है वैसे ही रहने देंगे। और इसके बाद यहाँ देखिए माइनस का साइन लगा है, माइनस का मतलब हो गया अंतर। अब दोनों नंबर का अंतर नीचे लिख लेंगे, तो 5 और 1 का अंतर कितना आएगा? 5 में से अगर 1 माइनस करेंगे कितना आएगा? 4 और 2 = 100। 4 से इसको कैंसिल कर दिए, इस तरह से आ गया 25%। कितना आ गया दोस्तों? 25%। करना क्या है, जितना यहाँ परसेंट दिया है 20%, तो इसको हम भिन्न में बदल लेंगे, 20/100 हो गया। अब इसको कट कर दिए, 1/5 आया। यहाँ क्या कहा है? कमी। अगर कमी कहा है तो दोनों का अंतर निकाल के नीचे लिख लेंगे, अगर वृद्धि कहता है तो दोनों को जोड़ के नीचे लिख लेते। अंश वैसे ही रहेगा, अंश जितना है उतना ही रहेगा। हर की जगह हम अगर अंतर, अगर यहाँ कमी कहेगा तो दोनों का अंतर लिखेंगे, अगर वृद्धि कहेगा तो दोनों को जोड़ के नीचे लिखेंगे। तो 25% हमारा आंसर हो गया फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन है, इसके ऑप्शन है 30%, 20%, 40%, 25%। ये हैं इसके ऑप्शन। किसी आयत की चौड़ाई में 25% की वृद्धि कर दी गई तो उसके लंबाई में कितने प्रतिशत की कमी करें कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी सॉल्व करना है, सेम वैसे ही है। यहाँ देखिए क्या कहा है, 25% की वृद्धि, वृद्धि के लिए लगाएंगे हम प्लस का साइन। और यहाँ कहा है 25%, 25% का मतलब 25 by 100 का मतलब क्या हुआ? 25 by 100, जब इसको भिन्न में बदलेंगे 25 by 100 हो गया। 25 के 25, 25 चौका 100, कितना आ गया दोस्तों? ये आ गया 1/4। कितना आ गया? 1/4। लेकिन यहाँ लगा है प्लस का साइन, प्लस का मतलब हम क्या करेंगे? दोनों को जोड़ के नीचे लिखेंगे, तो हर
हमारा अंश तो वैसे ही रहेगा, अंश जितना है उतना ही रहेगा, और हर की जगह हम दोनों को जोड़ के लिखेंगे, क्योंकि यहाँ साइन क्या लगा है, प्लस का। प्लस का मतलब दोनों को जोड़ेंगे, चार और एक कितना होगा, पांच, पांच गुणे सौ। चलिए इसको कैंसिल कर देते हैं, तो पांच से 25 को अगर कैंसिल, 100 को अगर कैंसिल करेंगे तो आएगा 25, सॉरी ये आएगा 20 आएगा, तो 20%। तो कितना आ गया दोस्तों, 20%। आंसर हमारा कौन सा सही हुआ, 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि हो गई तो एक गृहिणी को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि कुल खर्च में कोई फर्क ना पड़े। पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी सॉल्व करना है। यहां देखिए क्या कहा जा रहा है, 10%, 10% का मतलब क्या हो गया, 10/100 कितना हो गया दोस्तों, 10/100। अब इस 10/100 को हम लोग कैंसिल कर लेते हैं, 0-0 से कैंसिल, इस तरह से ये कितना आ गया, 1/10 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 1/10। अब देखिए यहाँ क्या कहा गया है, वृद्धि, वृद्धि का मतलब साइन हमारा क्या रहेगा, प्लस। अब जब वृद्धि कहा है तो वृद्धि के लिए हम दोनों को जोड़ के नीचे लिखते हैं। चलिए अंश हमारा वही रहेगा, अंश जैसे है वैसे ही रहेगा, और हर में दोनों को जोड़ के लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या दिया है, प्लस, प्लस का मतलब हो गया दोनों को जोड़ना, तो दोनों को जोड़ के लिखेंगे, हो गया 11, 10 और 1 कितना हो गया, 11 गुणे 100। इस तरह से ये आ जाएगा, यहाँ देख लीजिए 100/11 और 11 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 9 सही 1/11%। तो कितना आ गया दोस्तों, 9 सही 1/11%। कौन सा आंसर सही है, 9 सही 1/11%, ये वाला सही। क्या करना होता है हमको ऐसे क्वेश्चन में, जो यहाँ नंबर दिया है 10, तो 10%, 10% को अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो कैसे लिखेंगे, 10/100। यहाँ लगा है वृद्धि, तो वृद्धि का मतलब यहाँ लगाएंगे हम प्लस का साइन। अब जो कटेगा उसको काट लेंगे, 0-0 से कैंसिल हो गया, 1/10 आ गया इस तरह से। अब यहाँ लगा प्लस का साइन, तो हम नीचे जो है दोनों को जोड़ के लिखेंगे, हर और अंश को जोड़ के नीचे लिखेंगे, हर हमारा अंश हमारा वैसे ही रहेगा और हर और अंश दोनों को जोड़ के नीचे लिखेंगे। तो अंश की जगह 1 हो गया और हर की जगह अब क्या आ गया, दोनों को जोड़ लिए 10 और 1 11 हो गया, 11 गुणे 100। इस तरह से अब इसको 100 1 100 हो गया और 11 नीचे रहेगा। अब इसको डिवाइड कर लिए, 9 सही 1/11 आ गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कीमत में 30% की वृद्धि हो गई तो एक गृहिणी को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि कुल खर्च में कोई फर्क ना पड़े। इसको भी उसी तरह से सॉल्व करना है। यहाँ देखिए कितना कहा गया है, 30%, तो 30% को अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, 30/100 ऐसे ही तो लिखा जाएगा फ्रैक्शन में, 0-0 से कैंसिल, इस तरह से ये कितना आ गया, 3/10 आ गया, 3/10। अब क्या करना है, यहाँ देखिए कहा गया है वृद्धि, वृद्धि का मतलब क्या है, प्लस। अब क्या करना है, 3 को हम ऐसे ही रखेंगे, अंश को वैसे ही रहने देंगे, हर में क्या करना है, यहाँ है प्लस का साइन, प्लस मतलब वृद्धि, तो हम दोनों को जोड़ के नीचे लिखेंगे, अंश और हर को जोड़ लेंगे, तो 3 और 10 को जोड़ेंगे कितना होगा दोस्तों, 13, कितना होगा, 13 और 100। अब देखिए ये 3 का गुणा 100 में हो गया, तो इस तरह से हो गया 300 300/13, 13 से इसको डिवाइड कर दिए तो हमारा आ जाएगा 23 1/30 इतना परसेंट। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो गया, ऑप्शन सेकंड, 23 सही 1/13% की
कमी हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है कि जो यहां परसेंट दिया है, जितना परसेंट, जैसे यहां दिया 30%, तो इसको हम पहले भिन्न में बदल लेंगे। तो भिन्न में कैसे बदला जाता है, 30% का मतलब हुआ 30/100, इसको भिन्न में ऐसे ही बदला जाता है, जितना यहाँ परसेंट रहता है उसको ऊपर लिखते हैं और बटा 100 कर देते हैं, तो ये भिन्न में बदल जाता है। तो 30% को हम भिन्न में बदल लिए, क्या हो गया 30/100, इसको कैंसिल कर लिए, जो बटा काट दिए, अब कितना आया 3/10, 0 0 से कैंसिल हो गया, आ गया 3/10। अब 3/10 को क्या करना है, यहाँ दिया है वृद्धि, वृद्धि का मतलब है प्लस, अब दोनों को जोड़ के नीचे लिखेंगे, अंश और हर को जोड़ के नीचे लिखेंगे और ऊपर अंश जो है अंश को वैसे ही रहने देंगे, अंश हमारा ऐसे ही रहेगा और हर की जगह अब अंश और हर को दोनों को जोड़ के लिख लेंगे, गुणे 100 कर देंगे। अब इसी को हम गुणा कर लिए, 300 आ गया, 300/13, और इस तरह से डिवाइड कर दिए, तो 23 सही 1/13%, ये आ गया इतना परसेंट की कमी।